सभा लगी हुई है श्री दशरथ जी की और सभा के मध्य में श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हैं और उसी मध्यान्ह श्री दशरथ जी महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण मंगाकर अपना मुख देखा है। मूलतः जहां से यह चर्चा शुरू होती है, श्री दशरथ जी ने आज जब दर्पण में अपने मुख का अवलोकन किया, दशरथ जी को कुछ चीजें दिखाई दी हैं उस दर्पण को देखने के बाद। मैंने आपसे कथा के बीच में एक दिन कहा था कि श्री राम कथा को अपने जीवन में एक दर्पण की तरह रखा जाए, ताकि इस दर्पण में हम स्वयं को देख सकें और जो कमी हो उसे सुधार कर सकें, जो अच्छाई है उसे अनवर उसको चालू रख सके, उसको आरंभ रख सके। आज जब दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुखारविंद देखा, दशरथ जी के सामने दो स्थितियां प्रकट हुई और मुझे लगता है कि ये दो घटनाएं हम सबके जीवन में आती हैं। फर्क क्या है कि उन्हीं दो दृश्यों को देखकर दशरथ जी का पूरा जीवन बदल जाता है और हम उसी दृश्य को देखते हैं हमारा पूरा जन्म बदल जाता है, पर हम नहीं बदलते। दो ही दृश्य थे, तीसरा नहीं था। वो दो दृश्य कौन से थे, वो स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आप सभी के घर में अगर श्री रामचरित मानस हो, आप जिसके घर में हैं, बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम है व्यासपीठ से मेरा। लेकिन जिसके घर में हैं और वो उनका नित्य पाठ करते हैं, मैं उनको ज्यादा प्रणाम करती हूँ, क्योंकि श्री रामचरितमानस ये ग्रंथ लाल कपड़ा में लपेट के खाली अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं होती। सुबह दिखाई दिया, शाम को दिखाई दिया, अरे कभी कभी मौका मिले तो एक ही दोहा सही ना, एक दोहा पकड़िए, दो ही चौपाइयां पढ़िए, दो चौपाई भी बहुत है। लेकिन जीवन में इन चीजों को शामिल करिए, आप स्वयं देखेंगे आपको बड़ी शांति की अनुभूति होगी। मैं अक्सर व्यासपीठ से एक प्रार्थना करती हूँ, हम आप ठाकुर जी को जो भी समय देते हैं उस समय को एक बंदिश की तरह ना दे, अक्सर एक मजबूरी की तरह भी, अरे भाई रोज पूजा करते हैं तो अब करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। जब भी ठाकुर जी के सामने जाए इतने प्रेम से जाए ना। अक्सर कई लोग कहते हैं भैया क्या करके आ रहे हो, अभी अभी पूजा पाठ निपटाए के आ रहे हैं। पूजा पाठ निपटाने की चीज है, पूजा पाठ किया जाता है, हम प्रभु का ध्यान करते हैं, ध्यान और पूजा पाठ निपटा देने की चीज नहीं है। निपटाया ये तो मतलब कि एक झंझट होता है, झंझट से निपट के छुट्टी पा गए, आज का कोटा पूरा, अकल देखेंगे। जीवन में कुछ चीजों को बहुत गौर से अगर आप ना समझे ना, तो कभी कभी हमारे भीतर की अच्छाई ही हमारे लिए घातक हो जाती है। अच्छाई का भी अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे एक धर्म का कार्य है, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप धर्म कर रहे हैं कि आप अधर्म कर रहे हैं। एक बड़ी ही इसकी सीधी और सरल परिभाषा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के पीछे आपका उद्देश्य कैसा है, ये बात सुनिश्चित करेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। अगर आप कोई पूजा भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो ये धर्म होकर भी धर्म की श्रेणी में आने वाला नहीं है। राजा दक्ष की कथा आपने शिव विवाह के दौरान सुनी है, सती मैया के प्रसंग में आती है चर्चा। राजा दक्ष ने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, पर पूरे यज्ञ के आयोजन के पीछे उसका ध्येय मात्र एक था। क्या ध्येय था, कि मुझे अपने जमाई शंकर का अपमान करना है। यज्ञ तो एक पुण्य का कार्य है, पर उस यज्ञ को करने के पीछे का उद्देश्य गलत है, तो उद्देश्य गलत होने की वजह से वह धर्म का कार्य भी अधूरा रह गया। कोई भी कार्य अगर आप किसी के जन कल्याण से, कई बार ऐसा होता है अगर आप किसी के हित के लिए झूठ भी बोल देते हैं तो वो धर्म में आ जाता है, और किसी के अहित के लिए अगर आप सच भी बोल देते हैं तो संत जन कहते हैं भाई तुमने गलत किया है।
आपकी हृदय का उद्देश्य सुनिश्चित करेगा आपने अच्छा किया है कि बुरा किया है। और एक प्रार्थना, एक निवेदन, हमारा पुण्य बन जाए उसके बदले में किसी और का पुण्य चौपट हो जाए तो हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। ये भावना से भी अगर आप कुछ करते हैं तो फिर वो भी आपके पुण्य के खाते में चढ़ने वाला नहीं है। एक पुरोहित जी थे, आपने अगर कर्मनाशा नदी का नाम सुना हो, सुना है कभी कर्मनाशा नदी का नाम? कर्मनाशा एक ऐसी नदी कही जाती है, कहते हैं कि कर्मनाशा नदी के जल का अगर स्पर्श भी हो जाए तो संसार इंसान के जितने भी शुभ कर्म होते हैं, जो पुण्य होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं केवल कर्मनाशा नदी के जल के स्पर्श मात्र से। पुरोहित जी थे, कर्मनाशा नदी के इस पार वो रहते थे और उस पार कन्या का विवाह होना था। अब उस गांव के लोग आए, निवेदन किया, आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, आप ही बिटिया का विवाह कराएंगे, आप चल चलिए। अब पुरोहित जी ने कहा कि कोई नौका का इंतजाम करो, और संयोग से कोई नौका उस दिन नहीं थी उस नदी में। अब कर्मनाशा नदी वैसे तो जल ज्यादा नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्पर्श करेंगे तो पुण्य का नाश हो जाएगा। पुरोहित जी ने कहा हम नहीं जाएंगे विवाह करा, हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर मैं पैदल गया। तो उसी गांव का, कन्या के गांव का एक पहलवान था, उस पहलवान ने आकर कहा पुरोहित जी ऐसा करो, मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, आप जल का स्पर्श भी नहीं करेंगे, मैं उतर जाता हूँ नदी में और मैं पार कर देता हूँ। किसी भी तरह बहन का विवाह होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अभी पूरा ना भया है, अभी बचा है। तो पुरोहित जी ने कहा अच्छा ये ठीक बात है, ऐसा करता हूँ मैं तेरे कंधे पर बैठ जाता हूँ। अब इस पहलवान ने पुरोहित जी को अपने कंधे पर बिठा लिया, ये नदी में उतर गया और अब पुरोहित जी को लेके धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे यहाँ तक जल आया, पहलवान का पैर डगमगाया और कहा पुरोहित जी स्पर्श करने से बच रहे थे, पूरा ही जय गंगा मैया की, पूरे के पूरे बढ़िया गोता लगाए लिया, दो चार डुबकी तो ऐसे ही लग गई। अब डूब तो गए, अब किसी तरह उस पार पहुंचे, लगे क्रोध करने, शाप दे दूंगा, मेरा पुण्य नष्ट हो गया, सारा मेरा जितना कमाया धर्म कर्म था सब तेरी वजह से खराब हो गया, मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए तेरी वजह से। उसी गांव का एक भोला भाला भगत था, उसने हाथ जोड़कर कहा पुरोहित जी बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं, आप कहते हैं कि इसने आपका पुण्य नष्ट किया, पर सत्य कहूं पुरोहित जी, आपके पुण्य तो उसी समय नष्ट हो गए थे जब आपने इसके कंधे पर बैठना स्वीकार किया था। तात्पर्य कि जिस पल आपने ये सोच लिया कि मेरा पुण्य बच जाए, इसका पुण्य मिटे तो मिट जाए, अगर मेरा पुण्य कर्मनाशा में उतरने से नष्ट होगा तो उस पहलवान का पुण्य भी तो कर्मनाशा में उतरने से नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? पुरोहित जी जिस पल आपने ये सोच लिया इसका पुण्य जाए तो जाए, पर मेरा पुण्य नहीं जाना चाहिए, आपके सारे पुण्य तो उसी पल नष्ट हो चुके थे, नदी में गिरना तो एक बहाना। कहने का तात्पर्य जहां भी आप ये विचार करो कि भाई मेरा हित पहले हो, किसी और का हित हो या ना हो, अब उसके लिए आप चाहे जितने अच्छे कार्य कर लो, ठाकुर जी ये नहीं देखेंगे आपने क्या 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 कितने बड़े बड़े काम किए, ठाकुर जी उस कार्य के पीछे का आपका उद्देश्य देखेंगे, आपका मोटिव देखेंगे कि इसने क्या सोचकर ये काम किया है, क्या विचार करके किया है। और हम और आप जो मैंने अभी कहा, हमारे आपके जीवन में भी ये चीज आती है, किस प्रकार आती है, दशरथ जी के जीवन के इस पहलू से जरा देखिएगा। एक समय सब सहित समाज
रघुराज बिराजा राय सुभाय मुकुर कर लीना राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलो की मुकुट श्रवण समीप भयेषित केशा श्रवण समीप भयेषित केशा मनहु जरठ पन अस उपदेशा एक समय सब सहिते समाजा राज सभा रघुराज विरा राय सुभाय मुकुर कर लीना ये बदन बिलो की मुकुट साम कीना दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा और जिन दो स्थितियों की दो दृश्यों की बात मैं कर रही थी वो क्या थे दशरथ जी ने देखा कि मेरा मुकुट थोड़ा सा तिरछा हो गया है थोड़ा सा टेढ़ा है मुकुट तो टेढ़ा था अच्छा मुकुट को सीधा करना अपने हाथ में था जैसे आप कोई टोपी लगाओ कोई पगड़ी लगाओ पगड़ी टेढ़ी हो जाए तो आप सीधी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अरे बोलिए कर सकते ना मुकुट भी तिरछा था दशरथ जी ने मुकुट तो सीधा कर लिया तब तक के लिए सीधा किया जब तक उस जैसे आपने टोपी लगाई है तो आपको जब तक उस टोपी को लगाने की जरूरत है तब तक तो आपको उसे सीधा रखना ही पड़ेगा बाद में उतारेंगे तो उतारेंगे पर जब तक पहना है तब तक तो सही व्यवस्थित हो दशरथ जी ने मुकुट तो सीधा किया ये प्रथम दृश्य था द्वितीय दृश्य जो दशरथ जी ने देखा वो क्या था दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरे कानों के पास के बाल सफेद हो गए हैं कैसे हो गए हैं सफेद श्वेत अब ये सफेद बाल जब देखे हैं दशरथ जी महाराज ने इनमें सुधार करने का विचार नहीं किया श्वेत केशों को देखकर दशरथ जी ने उनमें बदलाव करने का निर्णय नहीं लिया अपितु स्वयं में बदलाव करने का निर्णय लिया एक दृश्य था जिसमें दशरथ जी ने उसे सुधारा यानी कि मुकुट को सुधारा ये दूसरा दृश्य है जिसमें बाल सफेद हैं अब इसमें दशरथ जी ने बालों को ना सुधार कर बालों से कोई उपदेश लिया स्वयं में सुधार लाने का क्या उपदेश दशरथ जी ने वो श्वेत बाल देखे ना तो दशरथ जी कहने लगे मानो ये सफेद बाल मेरे कानों में आकर कह रहे हैं दशरथ जी बुढ़ापा आ गया है हम आ गए हैं हमारे आने का मतलब कि अब आपकी वृद्धावस्था आ गई है इतनी बड़ी खोपड़ी ठाकुर जी ने बनाई है कि नहीं पर कितने आश्चर्य की बात है ये पूरे सर को छोड़कर सबसे पहले इस एरिया के बाल सफेद होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाले बुढ़ापे के लक्षण वाले बीमारी वाले तो कहूं से भी सफेद हो जाते हैं
पर जो वृद्धावस्था के संकेत के बाल होते हैं ना, वो यहाँ से लेके इस एरिया के होते हैं। कभी बैठ के तसल्ली से सोचा कि पूरी खोपड़ी छोड़ के बाल यही वाले काय सफेद होते हैं? फुर्सत ही ना मिली होगी, कहाँ फुर्सत मिली होगी कि हम ये सब सोचें। पर सोचिएगा और अभी भी सोचिए, ये केवल यहाँ के बाल क्यों पहले सफेद होते हैं? यहाँ के हो जाए, यहाँ के हो जाए, कहीं के हो जाए, इसलिए क्योंकि ये जगह कानों के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, सबसे करीब यही जगह होती है। बाल श्वेत होते हैं, सात रंग हमारे यहाँ कहे जाते हैं, पर सात रंगों को छोड़कर बाल दो ही रंग चुनते हैं, या तो काला या तो, अब आप कोई भी करा लो मोर पंख की तरह, वो आपकी मर्जी। आज ही हमने देखा ये फुलहर जगह है ना, जहाँ किशोरी मैया का गिरजा माता का मंदिर दर्शन करके आ रहे, यहाँ तक तो बाल ही ना थे, ये पूरा साफ था एरिया, और यहाँ पे मुर्गे जैसे खड़े थे, वो भी बिल्कुल लाल। समझ ही ना आए कि कौन सा प्राणी है, यही धरती का है कि कौन ऊपर से आया। अपनी मर्जी से आप काला पीला नारंगी जो करा, वो स्वेच्छा पर प्राकृतिक रंग दो ही होते हैं, या काले या तो सफेद। बाल प्रथम में काले होते हैं और यहाँ के बाल कानों में आकर कहते हैं, दशरथ जी या फिर किसी भी मनुष्य से, हे जीव हम बाल हैं, और हम तब से आपके साथ हैं जब आप बाल थे, अर्थात बच्चे थे, छोटे थे, हम तब से आपके साथ में हैं। और मनुष्य अब तो मैंने भी अपना रंग बदल दिया, मैं काला था मैं सफेद हो गया, पर तुम अपना रंग कब बदलोगे? कालिमा में जीवन जीते जीते उम्र बीत गया, कब तुम बेदाग जीवन जीना शुरू करोगे? कब आप ये निर्विकार जीवन जीना शुरू करेंगे? वो काले बाल श्वेत होकर हमसे यही सवाल करते हैं कानों में आकर, आप कब बेदाग जीवन जिएंगे? सफेद रंग को राजा कहा जाता है, रंगों का राजा कहा जाता है श्वेत रंग। श्वेत रंग का तात्पर्य जिसमें कोई दाग ना हो। दाग का अर्थ जो कोई हमारे मन में ना जो है विकार है, ये भी तो एक दाग ही है, ये भी तो एक दाग ही है, ये विकार भी दाग ही है। जैसे आप एक, कई लोग पूछते हैं कि ये ठाकुर जी ने, भगवान ने स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था क्यों बनाई? एक सिस्टम रखते, जो मरता स्वर्ग ही जाता, नर्क बनाने की जरूरत क्या थी? ना बनाते तो हम नर्क जाते ही नहीं, एक ही जगह सब पहुंचते। लेकिन आप एक बात बताइए, कपड़ा थोड़ा बहुत गंदा होता है तो घर के वॉशरूम में, घर के बाथरूम में धुल लिया जाता है, धुल लिया जाता है। पर अगर कपड़े पर कोई ऐसा दाग लग जाए, तेल का, मसाले का, कॉफी का, चाय का, पान का, ये एक ऐसा दाग होता है जो अपने हाथ से ना निकले, तो कपड़े को फिर आप कहाँ भेजते, कहाँ भेजते बताइए? लॉन्ड्री में जाता है कि नहीं जाता? अब वहां पे जाते हैं, अब कहते हैं महाशय अब आप इसके दाग निकालो, जैसे मर्जी पीट के निकालो, पटक के निकालो, रगड़ के निकालो, जो मर्जी करके निकालो, बस दाग साफ करो। मुझे लगता है जो अपने मन के विकारों को थोड़ा थोड़ा राम नाम के साबुन से नित्य धोता रहता है, जिसका दाग पक्का ना होने पाए, तो उसको तो नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इस मन रूपी कपड़े पर दाग पे दाग लगाता है, दाग पे दाग लगाता है, अब वो दाग इतना पक्का हो जाता है, ठाकुर जी कहते हैं अब ये यहाँ साफ नहीं होगा, ये अब यमराज के लॉन्ड्री में जाएगा तब बढ़िया साफ होगा। फिर यमराज बढ़िया पटक पटक के दाग निकालते हैं, बढ़िया से पीट पीट के दाग निकाला जाता है। जैसा कपड़ा होगा उसे धुलने का वैसा सिस्टम होगा। अगर नॉर्मल आप जो रोज धूल मिट्टी साफ करने में कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उसे पानी से भी धो लीजिए, साफ हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? पर एक धूल मिट्टी साफ करने वाले कपड़े को आप केवल पानी से धुल सकते हैं, लेकिन किचन का जो कपड़ा होता है, आपके रसोई का कपड़ा होता है, वो केवल पानी से साफ होने वाला, उसको तो बढ़िया कुछ मजबूत चीज चाहिए जो उसके दाग को निकाल सके।
तो वही बात समझिए, जैसा मन रूपी कपड़ा होगा इसे साफ करने का वही तरीका उधर इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रयास ये रहे कि ज्यादा दाग ही ना लगे, ज्यादा दाग ही ना लगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बेदाग रहे। काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक रेख काजर की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में आकर कोई कोरा बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो निशान रह जाएंगे। तो प्रयास क्या करना है कि उस दाग को पक्का नहीं होने देना है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से अपने मन का मैल छुड़ाते रहे, छुड़ाते रहे। ये श्री राम कथा उसी साबुन का काम करती है, ये उसी का काम करती है। श्री दशरथ जी ने मुकुट सीधा किया, इसका तात्पर्य समझते हैं आप? मानो दशरथ जी ने उस मुकुट से कहा, वो मुकुट मात्र सोने का मुकुट नहीं है, वो अयोध्या की जिम्मेदारी है जो दशरथ जी के सिर पर है। अयोध्या के राज का भार है, उत्तरदायित्व है जो दशरथ जी के शीश पर है। दशरथ जी ने मुकुट इसलिए सीधा किया कि जब तक कोई और योग्य इस भार को उठाने वाला मुझे नहीं मिल जाता, तब तक तो ये भार मैं अपने ही सिर पर रखूंगा। जब योग्य मिलेगा तो ये भार उसको दे दूंगा। लेकिन उन सफेद बालों से दशरथ जी ने सीख ले ली कि ये मुझे संकेत दे रहे कि बुढ़ापा आ गया है और अब वृद्धावस्था है, तो अब मुझे इससे उपदेश लेकर वो कार्य करना चाहिए जो चौथे पन में मानव को करना कहा गया है। आपको नहीं लगता ये दो चीजें हम सबके साथ होती हैं, सबके जीवन में होती हैं। मुकुट तिरछा हुआ, कहने का मतलब कि जब एक भार होता है ना, एक भार हम तब तक उठा पाते हैं जब तक शरीर मजबूत रहता है। एक समय के बाद वो भार उठाने के लायक हमारी देह रह नहीं जाती है। बुढ़ापा आता है, शरीर कांपते हैं। बुढ़ापे की दस्तक कितनी आती है जरा ये सोचिए, कितनी बार घंटी बजाते हैं ठाकुर जी ऊपर से। बाल सफेद हुए पहली घंटी, कम दिखाई देने लगा दूसरी घंटी, बजी कि नहीं बजी, कम सुनाई देने लगा तीसरी घंटी, सारे दांत गिर के अलविदा कह के जाने लगे चौथी घंटी, हाथ पैर कांप रहे हैं पांचवी घंटी, पांच पांच छह छह घंटी, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, भाई अब तो हाजिरी लगा, इतनी नोटिस इतनी नोटिस। और जब सारी नोटिस को इग्नोर मार देते, अरे आने दो आने दो, फिर उसके बाद तो सीधा हमारे पे मुकदमा ही चलता है कि अब हमें जबरन लाना पड़ेगा, ये खुद से आने वाला नहीं है। जीवन में देखिए, कई बार ऐसा मैंने बहुत लोग से सुना है, मुझे भी कई लोग कहते हैं कि अरे ये युवा अवस्था में कोई भजन पूजन करने का टाइम होता है क्या, कोई ये बचपन में कोई पूजा पाठ करता है। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि वो डिक्टो टाइम मुझे बताइए जो पूजा पाठ करने का और धर्म कर्म करने का होता है। अगर कोई कहे कि बुढ़ापे में भजन किया जाता है तो एक निवेदन करूँ हाथ जोड़ के, बुढ़ापे में अपने हाथ की लाठी ना संभले, माला कहाँ से संभाल लेंगे। एक गिलास पानी के लिए तो बेटा बेटा बहू पोता चिल्लाते रहते, एक गिलास पानी के लिए कथा सुनने जाएंगे बुढ़ापे में, बुढ़ापे में मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में तीर्थ जाएंगे। कौन कहता है भजन केवल 55 साल की अवस्था में होता है? अरे 55 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देते कि अब आपके बस की कामकाज करने की नहीं है, जाओ छुट्टी मनाओ घर पे। यहाँ की सरकार भी 60 के बाद आपको काम पर नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ की सरकार को भी पता है कि अब ये काम के लायक बचा ही नहीं। और हम कहते हैं वहाँ के सरकार की ड्यूटी 60 के बाद शुरू करेंगे, अरे यहाँ बचेगा क्या जो वहां की सेवा करेंगे, बचेगा क्या? ये कांपते हाथ, ना चल पाने वाले पैर, दर्शन बराबर ना कर पाने वाले नेत्र, बराबर ना सुन पाने वाले कान, ये पूरी खराब मशीन खराब पुर्जे ले जाकर भगवान को चढ़ाएंगे? अरे चढ़ाना है तो ढंग की चीज चढ़ाए ना। अगर फूल भी ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो कैसे पुष्प चढ़ाते हैं, कैसे फूल चढ़ाते हैं, कली भी नहीं चढ़ाते हैं। अक्सर प्रयास होता है खिला हुआ पुष्प चढ़ाएं।
मुरझाया हुआ फूल कभी आप भगवान को चढ़ाते हैं क्या? बोलिए। अपने जीवन की भी तो तीन ही अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था कली है, युवावस्था खिला हुआ पुष्प है, बुढ़ापा तो सूखा फूल है जाको कोई ना पूछे। ये तो वो फूल है, सुबह के समय जो फूल ठाकुर जी के चरणों में होते हैं ना, शाम तक उसी फूल को वहां से हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो मुरझा गए हैं। अब वो क्या, अब ठाकुर जी को वो सुगंध, वो आनंद ये थोड़ी ना प्रदान कर पाएंगे। अब कल सुबह की पूजा में फिर एक खिला हुआ पुष्प ठाकुर को चढ़ाया जाएगा। मेरी प्रार्थना है, देखिए जिसका भजन बचपन में शुरू होगा उसी का बचपन तक चलेगा। बचपन में शुरू होने वाला, हमारे अवधि में एक कहावत कही जाती है, बूढ़ा तोता राम राम नहीं करता है। लाख यत्न करिए, वृद्धावस्था में अगर आप ये विचार करें, देखिए जब हम छोटे होते हैं ना तो बाल्यावस्था में हमारी सारी ऊर्जा हमारे पैरों में होती है। ध्यान से सुनिएगा, सारी जो हमारे अंदर की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है ना, वो पैरों में होती है। आप बच्चों को कभी एक जगह टिका नहीं देखेंगे। लाख ठंडक हो, जिस ठंडक में आप रजाई में सिकुड़ के बैठते उस ठंडक में भी बच्चा खेलता नजर आता है। उसकी सारी ऊर्जा उस समय पैरों में होती है। जब युवा अवस्था आती है ना, यही ऊर्जा प्रमाद का, जोश का रूप धारण कर लेती है। क्या कर डालूं, क्या बना लूं, क्या इकट्ठा कर लूं। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं क्योंकि संतों से सुना वही बताती हूं, वृद्धावस्था जब आती है, संत जन कहते हैं मनुष्य की सारी ऊर्जा वृद्धावस्था में जुबान पर यानी कि वाणी पर आकर केंद्रित हो जाती है। बुढ़ापे में सारी ऊर्जा कहाँ चली आती है, कहाँ आती है? वाणी पर। आप देखेंगे अक्सर उस समय हमारा तन साथ नहीं देता है, फिर भी हमारी वाणी लगातार बोलती है। हम वृद्धावस्था में पलंग पे भी पड़े होंगे लेकिन उसके बाद भी घर पे को आया है, क्यों आया है, कब तक रहेगा, झोले में क्या लेके जा रहे हो, बोरी में कल शाम को क्या लाए थे, वो फला जो काले रंग की शर्ट वाले थे वो कौन थे। सारी की सारी ऊर्जा इस समय हमारी वाणी पर रहती है, पर बड़े दुर्भाग्य की बात कि हम उस समय चाहते हुए भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल भगवान के नाम में नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस जुबान को उसकी आदत नहीं है, आदत ही नहीं है। आप बताइए 50 साल तक जो काम आपने कभी ना किया हो, आपसे कहे 51 साल से शुरू कर दीजिए उस काम को, आप कर सकेंगे क्या? 50 साल की बिगड़ी आदत है, हो पाएगी क्या? लाख यत्न करेंगे भूल जाएंगे। एक और सरल शब्द में बताऊं आपको, मैं ज्यादा जोर इस प्रसंग पर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप सभी ज्ञानी श्रोता हैं, आप सभी सभी चीजों को समझते हैं। प्रयास मेरा ये है कि आज की ये कथा हमारे आपके जीवन में कुछ तो बदलाव ला सके। जैसे जब बाल्यावस्था होती है, हमारी बाल्यावस्था में हम जो भजन करते हैं ना, बाल्यावस्था में किया गया भजन अमृत के समान होता है। किसके समान? जोर से बोलिए पीछे वाले, अमृत के समान। अमृत का एक विशेष गुण है, जो इसका पान करता है वो अमर हो जाता है। बाल्यावस्था का भजन अमृत के समान है, युवा अवस्था में किया गया भजन दूध घी और दही के समान होता है। कहते हैं अगर जवानी में बढ़िया कस के दूध घी दही खा लो तो बुढ़ापे के लिए शरीर मजबूत हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? फिर रोग व्याधा जल्दी जकड़ती नहीं। और बुढ़ापे में किया गया भजन पानी के समान होता है, और पानी की जरूरत हर 15 से 20 मिनट पे मनुष्य को लगती ही लगती। ये गर्मी का मौसम आया,
अगर आप बचपन में भक्ति कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बात है, ना कर सके तो कम से कम युवावस्था में शुरू हो जाए। युवावस्था में जो आप करेंगे वो आपके बुढ़ापे तक चलेगा, लेकिन अगर आप बुढ़ापे से शुरू करेंगे तो संतों ने कहा इस समय का भजन पानी के समान होता है। तो फिर इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे पानी के बिना जीवन नहीं है वैसे ही भजन के बिना एक पल नहीं होना चाहिए। अगर इतना हमारे अंदर विश्वास है कि फिर मैं बुढ़ापे में एक श्वास को भी वृथा नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी, तब तो भैया बुढ़ापे तक का इंतजार करिए। वो भी का पता बुढ़ापा है कि नहीं है हमारा, किसी को मालूम है क्या? अगले पल का नहीं जानते, बुढ़ापे की कौन कहे, कोई नहीं जानता। एक हाथ जोड़कर प्रार्थना और करूं आप सभी से, जीवन में कुछ चीजों को अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए, प्रयास करिए। अगर हम अपने आप को सनातन प्रेमी कहते हैं, सनातन धर्म से प्रेम करने वाले मानते हैं, तो एक स्वभाव अवश्य बनाइए, आपके मस्तक पर तिलक अवश्य होना चाहिए, कैसा भी लगाइए। मैं यहाँ से कोई बंदिश नहीं आपके लिए पेश करूंगी, गोल लगाइए, चौकोर लगाइए, लंबा टेढ़ा, जैसा भी आपका मन करे, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं आप उनका स्मरण करके पर आपके मस्तक पर तिलक अवश्य हो। प्रयास करिए आपके कंठ में तुलसी मैया की माला हो, एक स्वभाव बनाइए। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारा भोजन शुद्ध नहीं है तो हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते हैं। मुझे आप एक बात निवेदन करके बताइए, इसका मतलब आप भी जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही काम। अगर हम गलती से गलत करेंगे तो भगवान क्षमा कर देगा, पर अगर जानबूझकर गलत करेंगे तो फिर ठाकुर जी हमें कैसे क्षमा करेंगे। हम तुलसी जी की माला इसलिए नहीं पहन सकते, भोजन शुद्ध नहीं है, तो आप तुलसी जी को छोड़ सकते हो पर अशुद्ध भोजन नहीं छोड़ सकते। मतलब हम सही छोड़ सकते हैं पर गलत को, और फिर हम कहेंगे मेरे पे मेरे प्रभु की कृपा नहीं है, कैसे होगी भाई, आप उस रास्ते पर अभी चले ही नहीं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतनी सी बात अवश्य कहूंगी, अवश्य होना चाहिए। हो लिया ना कभी हरि का नाम, उमरिया खोदई धोखे में, लिया ना कभी हरि का नाम उमरिया लिया कभी हरी का नाम उमरिया खो गई धोखे में, लिया ना कभी हरी का नाम उमरिया खो गई धोखे में, लिया ना कभी हरी का नाम उमरिया खो गई धोखे। जो खोए गई सो तो खोए गई, अब तो बढ़िया गाइए, अब तो सभी लोग गाइए, सभी लोग बढ़िया भाव के साथ तालियों के साथ। लिया ना कभी प्रभु का नाम उमरिया खो गई धोखे में, लिया ना कभी प्रभु का नाम उमरिया खो गई धोखे में। बचपन तो तूने खेल गवाया, बचपन तो तूने खेल गवाया, बच
बचपन को तूने खेल गवाया। आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू, आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू इतराया। ओ समझ ना तुमने जोड़ा। वो बना लिए ऊंचे महल मकाने, उमरिया खो गई धोखे में। बना लिए ऊंचे महल मकाने, उमरिया खो गई धोखे में।
अंत समय जब आया तेरा, अंत समय जब आया तेरा, अंत समय जब आया तेरा, काल लगावन लावा फेरा, काल लगावन लावा फेरा, काल लगावन लावा फेरा। राम का नाम मरिया खो गई धोखे, पीछे वाले कहाँ खो रहे, इधर वाले कहाँ खो रहे, सभी लोग आइए, जितने भी लोग बैठे सब आइए और बढ़िया तालियों के साथ गाइए। हरि का नाम उमरिया, आप सब बोल ले विधाता, सब गाइए। लिया ना कभी हरि का नाम, वॉल्यूम बढ़ाइए। समझ ना पाया तू नादान उमरिया, लिया ना कभी हरि का नाम। देखा, आपको गायक बना दिया ना, हमारी सुनते तो आप पहले ही बन चुके होते, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग भाव के साथ कहिए। लिया ना कभी हरि का नाम उमरिया को गई धोखे में, लिया ना कभी हरि का नाम उमरिया को गई धोखे में, समझ ना पाया तू नादान उमरिया को गई धोखे में, समझ ना पाया तू नादान उमरिया को गई धोखे में। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। आप संतुष्ट हैं अपने जय कार्य से, आप हैं तो आज हम हो जाएंगे, क्या करेंगे मजबूरी, आप हैं तो मैं भी संतुष्ट हूँ, अगर नहीं है तो ढंग से बोलिए। बोलिए श्री राज किशोरी जूती, बोलिए श्री मिथिला धाम की। समय समय कौन बताता है, समय बताने का काम किसका है, आज के टाइम पे समय कैसे पता चलता है। बोलिए घड़ी, मोबाइल भी समय बतावे तो घड़ी में ही तो बतावे, घड़ी सबके हाथ में होती है, होती है कि नहीं होती, होती है ना, घड़ी सबके हाथ में होती है, पर समय किसी के हाथ में। घड़ी सब बांध सकते हैं पर घड़ी को कोई भी बांध, हम घड़ी पहनते ना तो हमें लगता है हमने घड़ी को बांधा है, पर विचार करके देखिए हमने इसे बांधा है, किसने हमें बांधा है। अभी सबकी घड़ी में एक साथ 12 बज जाए तो यहाँ कितने नजर आएंगे, कौन बैठेगा। इसका मतलब हमें लगता है कि हम घड़ी को चलाते हैं, ये हमारे हिसाब से हमारे हाथ में बंदी है, पर सच तो ये है बंदी हमारे हाथ में है पर चलाती ये हमें अपने हिसाब से। घड़ी सब बांध सकते हैं
पर एक भी घड़ी को कोई अपने हाथ में रोक। संसार में चाहे जितनी घड़ी हम बांध ले, आप कभी श्री अयोध्या धाम जाइएगा ना, तो जब श्री कनक बिहारी सरकार के दर्शन करेंगे आप, तो वहां पर मेरे राघव जी के हाथ में भी घड़ी बंधी है, किशोरी मैया के हाथ में भी बंधी हुई। मुझे लगता है संसार में चाहे हम जितनी महंगी घड़ी बांध ले, पर समय तो उन्हीं के घड़ी के हिसाब से चलेगा। चाहे लाख यत्न कर ले, हमारे आपके हिसाब से समय चलने वाला नहीं है। वृद्धावस्था के इस संकेत को श्री दशरथ जी महाराज ने समझा है, पंचों के समक्ष मत रखा। अगर उचित लगे तो अब मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, राम को अपना सब कुछ सौंपना चाहता हूँ। विचार किया, अयोध्यापुर वासियों के हृदय में तो यही एक कामना बस ही रही थी। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के समक्ष जाकर अपना यह मत प्रस्तुत किया। गुरुदेव, मेरे मन में यह भाव उठा है कि अब मैं अपनी अयोध्या सब कुछ दे दूं। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन से एक चीज अवश्य सीखिएगा, जब दशरथ जी के जीवन में एक दुख था, एक ग्लानि थी। कौन सी ग्लानि? कि भय ग्लानि मोरे सुत नाही, कोई पुत्र नहीं है मेरे। तो उस समय दशरथ जी कहाँ गए थे? गुरु गृह गया तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला निज गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। जब दशरथ जी के जीवन में एक कमी थी, एक दुख था कि मेरी कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो उस दुख को लेकर के भी दशरथ जी ने सबसे पहले गुरुदेव के द्वार पर गमन किया। अपना दुख सबसे पहले किसको सुनाया? गुरुदेव के चरणों में सुनाया। और आज ये सुख की वेला है, राम जी को राजा बनाने का निर्णय है, ये सुख का समय है, तो इस सुख के समाचार को भी लेकर सबसे पहले किसके पास गए? गुरुदेव के पास गए। अब एक चीज सुनिश्चित करिएगा, जो आपके दुख को दूर करता है ना, अपने सुख की चर्चा भी उसी से जाकर करिए। हम सुख की चर्चा इंसानों से करते हैं, दुख की चर्चा भगवान से करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। जो तन से सुखी है वो बेचारा मन से दुखी है, जो मन और तन से सुखी वो बेचारा धन से सुखी नहीं है, जो धन से सुखी है वो अपने तन से सुखी नहीं है। पैसे बहुत है, बीमारी भी बहुत है, जितना वो भोजन नहीं करते उससे ज्यादा उनके डब्बे में दवाइयां पड़ी रहती हैं। वो धन में तो है पर तन से सुखी नहीं है। जीवन में मैंने आपसे एक दिन और निवेदन किया था, आग्रह किया था कि अपना दुख आप किससे जा करते हैं? जिसके पास सुख है, हम भी एक बाल्टी दुख लेकर पहुंच जाएं। अब एक बात बताइए, आप मोहे सुखी करोगे कि मैं आपको सुखी करूंगी, जब है ही नहीं दोनों जन के पास? आप अपना दुख मुझे देंगे, मैं अपना दुख आपके थे तो गए क्यों? क्योंकि इनके पास सुख का सागर है, ये संत हैं, इनके पास सुख है, इनसे जाकर दुख कहूंगा तो ये मेरे जीवन में सुख दे सकते हैं। अगर वही दुख दशरथ जी महाराज माँ कौशल्या से चर्चा करते, या सुमंत जी से चर्चा करते, या फिर प्रजापुर वासियों से चर्चा करते, तो आप बताइए दशरथ जी को राम जी रूपी सुख की प्राप्ति होती क्या? होती क्यों? क्योंकि दशरथ जी अगर जाकर अम्बा कौशल्या से कहते, देवी अभी तक कोई संतान नहीं है, तो अम्बा कौशल्या जी भी तो दुखी होकर ही कहती, हाँ स्वामी मुझे भी यही चिंता है, कोई लाल नहीं है। माँ भी दुखी, दशरथ जी भी दुखी, समाधान कोई नहीं निकलता।
लेकिन दशरथ जी ने चयन किया गुरुदेव के द्वार का। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उनके पास हर दुख का इलाज है, और आज सुख आया तो भी गुरुदेव के पास ही गए। गुरुदेव ऐसी ऐसी भावना जगी है, निर्देश करें कि आगे क्या करें, क्या किया जाए। गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर एक बात कही, एक बात के लिए दो बार प्रयोग किया एक ही शब्द का। गुरुदेव ने कहा, बेगी विलंब न करी नृप, बेगी और विलंब न करी, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। बेगी का मतलब होता है जल्दी करिए, विलंब ना करिए इसका अर्थ भी तो यही होता है कि देर ना करिए, जल्दी करिए। अब जरा विचार किया जाए कि गुरुदेव भगवान ने एक ही शब्द के लिए दो दो चीजें क्यों प्रयोग की। बेगी विलंब ना करिए, जल्दी करिए विलंब ना करिए, क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी की बात तो सुन ली, पर गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं जो इच्छा, जो आज मनोरथ लेकर दशरथ जी आए हैं, ये मनोरथ की घड़ी तो 14 साल बाद आने वाली है।